हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपॉन। पॉलिटी में हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए थे और 69th अमेंडमेंट एक्ट तक हमने कर लिया था। इन 69th वी डिस्कस्ड अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसमें दिल्ली है तो एक यूनियन टेरिटरी, पर दिल्ली को एक स्पेशल काइंड ऑफ यूटी बनाया गया है जिसमें एक विधानसभा होगी 70 मेंबर्स की। इनके इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये डिस्कस किया था हमने। दिल्ली के एक सीएम होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट नहीं करते। दिल्ली के पास राज स्टेट लिस्ट के सभी मुद्दों पर लॉ बनाने का अधिकार है, कॉन्ग्रेंट लिस्ट के सभी मुद्दों पर लॉ बनाने का अधिकार है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दिल्ली का स्पेशल केस है पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। इन तीन मुद्दों पर दिल्ली के पास कंट्रोल नहीं है। रेस्ट ऑफ द जितने भी एरियाज हैं स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रेंट पे, दिल्ली को उन पर पूरा अधिकार है। उसके बाद फिर अगला अमेंडमेंट आ जाता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसने ऐड किया पंचायत्स एज पार्ट 9th फ्रॉम आर्टिकल 243 कैपिटल ओ, पंचायत। तो शुरू आ गया पंचायत। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 40 एक डीपीएसपी है जिसमें पंचायत बनाने की बात की गई है। ओरिजिनली संविधान में पंचायत के बारे में ज़्यादा नहीं था, एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू एस्टेब्लिश विलेज पंचायत सो दैट एंड एंडो देम विद सच पावर सो दैट दे कैन बिकम द यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर आगे चल के इस पर काम होना शुरू हुआ और जो पहला प्रोग्राम चला था भारत में रूरल एरियाज के लिए, वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP। 1952 में चला था CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1953 में इसे आगे बढ़ा दिया गया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, मतलब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि रूरल मासेस के हर एंगल को डेवलप करने के लिए पहला प्रोग्राम चला था CDP। इसी को रिव्यू करने के लिए फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के साथ चला था ये 1952 से 57 तक। गवर्नमेंट ने, अब ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा था तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी एक बलवंत राय मेहता कमेटी। गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है बलवंत राय मेहता कमेटी टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ CDP एंड ऑल्सो सजेस्ट वॉट मेजर शुड बी टेकन सो दैट वी कैन हैव पंचायती राज सिस्टम। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1957 में और कहा कि आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे काम कीजिए और उसके लिए थ्री टीयर सिस्टम बनाइए, हर गांव में हो एक विलेज पंचायत, कुछ गांव के ऊपर हो पंचायत समिति और ज़िले में जितने गांव हैं उनकी पंचायत होनी चाहिए ज़िला परिषद। अब ये एक रिकमेंडेशंस दे दी थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने कि आप इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। ये रिकमेंडेशंस आ गई बलवंत राय मेहता कमेटी की, इस पे आप काम कर लीजिए। अब इन रिकमेंडेशंस पे तो थ्री टीयर सिस्टम होना चाहिए, हर गांव में हो एक पंचायत, कुछ पंचायतों की पंचायत, पंचायत समिति मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हो, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होनी चाहिए ज़िला परिषद। ये रिकमेंडेशंस दे दी और इस पर कुछ काम होना शुरू हुआ।
लेकिन पंचायत ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसके रिकमेंडेशंस पे काम हुआ तो 1959 में राजस्थान के ज़िले नागौर में पहली पंचायत शुरू हुई 1959 सेकेंड अक्टूबर को। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जब राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में भी शुरू हो गया, लेकिन ना तो कुछ स्कीम बनी है, ना इलेक्शन हो पा रहे हैं, ना पैसा जा पा रहा है, साफ साफ कुछ बताया भी नहीं गया है, तो पंचायती राज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो आगे चल के इस पर कभी राज्य ने कुछ किया कुछ नहीं किया, ये टूटे फूटे तरीके से चलता रहा। फाइनली आगे चलकर 1978 में जनता पार्टी आई, तो उन्होंने अशोक मेहता कमेटी अपॉइंट कर दी। अशोक मेहता कमेटी ने कहा ये होना चाहिए टू टीयर सिस्टम, एक तो हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक हो ब्लॉक लेवल पर, मंडल पंचायत हो। इस तरीके से अशोक मेहता कमेटी ने टू टीयर सिस्टम की बात कर दी, काम चलता रहा। सेकंड जनरेशन ऑफ पंचायत शुरू हो गई, फर्स्ट जनरेशन ये कहलाती है। अभी भी कुछ बात नहीं बनी, सरकारें आती चली गईं, कमेटीज अपॉइंट होती चली गई, जीवी के राव कमेटी, दंता वाला कमेटी, हनुमंता राव कमेटी। इस तरीके से ये समझ में आ गया कि जब तक इनको संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरीके से 1986 में फिर एल एम सिंघवी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि आप इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ले लीजिए, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देंगे आप तो बात बन जाएगी। जब ये रिकमेंडेशन आई तो फिर इस पे काम होना शुरू किया, और फिर इस तरीके से होते होते नरसिम्हा राव के समय 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया 1992 में, और संविधान के पार्ट 9th का नाम हो गया था पंचायत, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। उसी सेशन में, सेम सेशन में एक और अमेंडमेंट पास हुआ, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, उसने ऐड किया पार्ट 9th कैपिटल ए एज म्यूनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243 पी 243 जेड जी। तो ये हो गई पंचायत, हो गई रूरल लोकल गवर्नमेंट, ये हो गई अर्बन लोकल गवर्नमेंट एडेड बाई 74th अमेंडमेंट 9th पार्ट 9th है। और जहाँ पंचायत ख़त्म होता है ओ, वहाँ से आगे 243 कैपिटल पी 243 जेड जी, इसे कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो फाइनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एल एम सिंघवी कमेटी देवर मेड पार्ट ऑफ पॉट कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर संविधान ने इनके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस बता दिए, जिससे फिर सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से पंचायती राज सिस्टम प्रॉपर्ली शुरू हो जाता है। और राज्यों को बोल दिया गया कि आप लोग इस मॉडल जो हमने संविधान में दे दिया है पार्ट 9th पार्ट और पार्ट 9th के, इसके बेस पे अपने अपने पंचायती राज लॉ आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। इस तरीके से शुरू हो गया भारत में पंचायती राज सिस्टम। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको बता देता हूँ, आपके लेवल पे बहुत बेसिक बातें चाहिए हैं इस सिस्टम में, पंचायती राज सिस्टम में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो कुछ बेसिक प्रोविजन बता देता हूँ आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, और संवैधानिक दर्जा देने वाली थी एल एम सिंघवी कमेटी, बीच में बहुत सारी कमेटी आई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, होगी एक ग्राम सभा, हर गांव में होगी एक ग्राम सभा, जिसमें कौन होंगे ग्राम सभा में, उस गांव की मतदाता सूची में जितने लोग रजिस्टर्ड होते हैं वो कहलाते हैं ग्राम सभा। ग्राम की मतदाता सूची में जितने रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो कहलाते हैं ग्राम सभा। ये मेन बॉडी है,
मतलब जो गांव के जितने एडल्ट लोग हैं वही हो जाते हैं गांव ग्राम सभा, मतलब गांव ही एक तरीके से ग्राम सभा है। थ्री टीयर सिस्टम हुआ करता है, विलेज पंचायत, विलेज पंचायत इसका हेड कहलाता है सरपंच, पंचायत समिति, जो छोटे राज्य हैं पॉपुलेशन इज लेस देन 20 लैक्स नॉट नेसेसरी, मतलब जो छोटे राज्य जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वो चाहें तो दूसरा टीयर ना रखें, पंचायत समिति ना रखें, ये ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, मतलब कई सारी पंचायतों की पंचायत कहलाती है पंचायत समिति, कई सारे ग्राम के ऊपर जो बड़ी पंचायत होती है कहलाती है पंचायत समिति, और ऐसे ही फिर होती है ज़िला परिषद, गाँव में जितने होते हैं वो ज़िला परिषद। ये जो व्यक्ति होता है इसका गवर्नमेंट का ऑफिसर वो कहलाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका एग्ज़ाम वगैरह होता है BDO, यहाँ कहलाता है पंचायत, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर यहाँ पर काम करता है पंचायत सेक्रेटरी, मतलब एक तो हो गए इलेक्टेड लोग और एक हो गए सरकार के जो अब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या CEO या CDO ये सब मिलकर ज़िला परिषद के साथ काम करते हैं, इन सब के होते हैं इलेक्शंस, डायरेक्टली इलेक्टेड, द होल विलेज पंचायत इज डायरेक्टली इलेक्टेड, सीधे चुनाव होता है, पंच गाँव को पंचायत एरिया में बांटा जाता है, जैसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे गाँव में भी हो जाता है, इनके मेंबर्स सीधे चुने जाते हैं, विलेज पंचायत में सब चुन के ही आएंगे, पंचायत समिति में कुछ चुन के आएंगे, कुछ यहाँ से एक्स ऑफिशियो मेंबर आ जाएंगे, मतलब बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, कुछ चुन के आएंगे, कुछ यहाँ के जो सरपंच हैं वो मेंबर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, यहाँ पर कुछ चुन के आएंगे, कुछ यहाँ के चेयरमैन मेंबर बन जाएंगे, इस तरीके से ये पार्टली इलेक्टेड पार्टली कैन से एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, ऐसे ये होती, ये फुल्ली इलेक्टेड होती है, तो इलेक्शंस होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड चुन ली जाती है, इनका टेन्योर पंचायतों का 5 साल होता है, और 5 साल से पहले अगर डिसॉल्व हो जाए तो न्यू पंचायत शैल कंटिन्यू फॉर रेस्ट ऑफ द टेन्योर, मतलब कोई पंचायत है वो 2 साल बाद ख़त्म हो गई, डिसॉल्व हो गई पंचायत, अब डिसॉल्व कैसे होगी, राज्य के अपने अपने अलग कानून हैं, मतलब पंचायतों के कानून राज्य के अलग अलग हैं, वो कॉमन नहीं है, तो अगर पंचायत 2 साल बाद ख़त्म हो गई तो अगली पंचायत जो बनेगी वो 3 साल ही चलेगी, ऐसा नहीं अगले 5 साल चलेगी, तो टेन्योर वैसे 5 साल होना है, अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो नई पंचायत रेस्ट ऑफ द टेन्योर के लिए चलेगी। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं राज्य राज्य में पंचायतों के सिस्टम में, मॉडल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया है संवैधानिक तौर पर। क्वालिफिकेशन, कौन बन सकता है पंचायत का मेंबर, पंचायत का मेंबर कौन बन सकता है, एनीबडी सिटीजन नॉट बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज, 21 साल 25 नहीं है, 21 साल से कम ना हो और नागरिक हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति पंचायत का इलेक्शन लड़के मेंबर बन सकता है, या आगे भी जितने भी सीटें हैं मतलब जितने भी पद हैं ले सकता है, नागरिक और 21 साल की एज कम से कम होनी चाहिए। हर ऐसे राज्य में होगा एक स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर ऐसे राज्य में होगा एक स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये पंचायती राज लॉ के तहत है स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना, एक है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल में लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराता है, ये हर राज्य में पंचायतों के और म्यूनिसिपलिटियों के इलेक्शन कराता है राज्य का निर्वाचन आयोग, ये पंचायती राज लॉ के तहत है पार्ट 9 के तहत है, तो हुआ करेगा एक स्टेट इलेक्शन कमीशन
स्टेट इलेक्शन कमीशन हेडेड बाय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अपॉइंट करता है इनको गवर्नर, अपॉइंटेड बाय गवर्नर टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ये पंचायत के इलेक्शंस भी कराता है और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन भी कराता है। ही मे बी रिमूव्ड लाइक ए हाई कोर्ट जज। ये एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको, आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा बट फिर भी याद रखें कि पंचायत, ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है, कमिश्नर होता है, इसको हटाते हैं इस तरीके से जैसे कि हटाया जाता है हाई कोर्ट जज। और आपको याद है कि हाई कोर्ट जज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज का मेथड फॉलो किया जाता है, तो इसका मतलब ये समझ में आया आपको कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, महाभियोग लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं हट सकता है। तो राज्य में चुनाव के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ऐसे ही मार्कर काम नहीं कर रहे हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड बाई गवर्नर। इसका काम होता है कि ये गवर्नर को बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बताता है कैसे राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में टैक्सेस का बंटवारा होगा, ऐसी हर राज्य में होता है। एक राज्य का वित्त आयोग ये बताता है कैसे राज्य के टैक्सेस बटेंगे बिटवीन स्टेट्स एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज बॉडीज। इसको भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर, जैसे वो राष्ट्रपति के ऑर्डर पे होता है, जैसे रिपोर्ट देता है ख़त्म हो जाता है सेंट्रल इलेक्शन फाइनेंस कमीशन, ऐसे ही यहाँ भी ये अपनी रिपोर्ट देगा और ख़त्म हो जाएगा। तो हुआ करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। पंचायतों के पावर्स और फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब उन्हें अपने पंचायतों को कितनी पावर देनी है, क्या फंक्शंस देने हैं, ये वो डिसाइड करेंगे राज्य की विधानसभा कानून बना के। इसलिए यूपी पंचायती राज एक्ट, आंध्र प्रदेश पंचायती राज एक्ट, तो वो सभी राज्यों के अपने अलग अलग होते हैं। राज्यों को तय करना है कि उन्हें कितना डिवोल्यूशन करना है, पंचायतों को कितना एम्पावर करना है, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। हर राज्य के अलग अलग कंडीशंस हैं, इसलिए इनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं, ये सभी जगह होंगी होंगी। ये सिस्टम कहलाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट, दिस वन पंचायत। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आपके एग्जाम के लेवल पे इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो हुआ करती हैं थ्री टीयर सिस्टम है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, जो छोटे राज्य हैं वहाँ सेकंड टीयर ना हो, तो सभी राज्यों में किसी में बड़े राज्यों में थ्री टीयर है, छोटे राज्यों में टू टीयर है, और ये इनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हुआ करते हैं। इनका इलेक्शन कमीशन अलग होता है और स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग होता है। दिस इज इन शॉर्ट पंचायती राज सिस्टम। तो 73rd, 74th अमेंडमेंट एक्ट हमने डिस्कस किया। संविधान में आर्टिकल 40 था डीपीएसपी के तौर पे, बाद में जाकर इनको डिटेलिंग इनकी की गई है पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस तरीके से आर्टिकल्स थे इनके। नाउ 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 आपको पता ही है, एडेड आर्टिकल 21 कैपिटल ए एज राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, याद होगा आपको है ना, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था राइट टू प्राइमरी एजुकेशन।
91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जिसे शेड्यूल 10 कहते हैं, इससे 1/3 का जो स्प्लिट क्लॉज था इसको डिलीट कर दिया। पहले क्या था, दल बदल कानून के तहत अगर किसी भी पार्टी के 1/3 MP MLA हैं, अगर वो टूट जाते थे, वो नंबर 1/3 होता था, तो उसको दल बदल नहीं माना जाता था, उनको अलाउ किया जाता था। लेकिन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ये चेंज कर दिया गया कि 1/3 जो स्प्लिट क्लॉज है ये नहीं होगा, ये अलाउ नहीं होगा। तो ये चेंज कर दिया गया, आप 1/3 जाएंगे तो डिफेक्शन माना जाएगा, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। और मैंने आपको एंटी डिफेक्शन लॉ में बताया था कि उसमें मर्जर होता है ना, मर्जर होता है, 2/3 किसी भी पार्टी के मेंबर, 2/3 किसी पार्टी के मेंबर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। अगर वो नंबर 2/3 से कम होगा तो वो कहलाएगा डिफेक्शन। पहले 1/3 क्लॉज था, पहले 1/3 जा सकते थे, दो पार्टियाँ आपस में मिल जाएँ उसे मर्जर कहेंगे। मर्जर की डेफिनेशन क्या है, किसी पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर अगर दूसरी पार्टी में मिल जाएंगे तो ये मर्जर कहलाएगा, तो इसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे, और जो 2/3 गए हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, और जो बाकी रह जाएंगे 1/3 उसको उस पार्टी का मेंबर मान लिया जाएगा। लेकिन पहले ये 1/3 था, तो ये 1/3 का क्लॉज खत्म हो गया। दिस इज 91st अमेंडमेंट एक्ट। नाउ 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 4 भाषाएं जोड़ दी गई, बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोगरी। बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोगरी, ये 4 भाषाएं संविधान के शेड्यूल 8 में जोड़ दी गई। पहले ये नहीं थी, संविधान के शेड्यूल 8 में भाषाएं दी गई हैं, तो ये जोड़ दी गई थी शेड्यूल 8 में, बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोगरी। नाइन्टी सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 2011, पार्ट 9th बी एड हुआ एज कोऑपरेटिव्स, आर्टिकल 243Z कोऑपरेटिव्स, आर्टिकल 243, जहां पर जेड जी पे म्यूनिसिपैलिटी खत्म होती है, तो जेड जी एच से जेड टी तक चलता है कोऑपरेटिव, सहकारी संस्थाएं जो होती हैं, इसके लिए पार्ट 9th बी ऐड हो गया। तो पार्ट 9th पंचायत है, पार्ट 9th ए म्यूनिसिपैलिटीज है, पार्ट 9th बी कोऑपरेटिव्स है, मतलब सहकारी संस्थाएं बने, आपस में सब लोग मिलकर एक सहकारी संस्थाएं बना लें, अपना अपना पैसा लगा के शेयर कैपिटल बना लें, सबके वोटिंग राइट्स उस पर हो जाएंगे, और ये अपने बेनिफिट्स के लिए, कि खाद के लिए है, दूध के लिए है, अमूल है, लिज्जत पापड़ है, गृह उद्योग है, महिला गृह उद्योग है, किसी भी चीज़ के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स बन सकती हैं, उनके ये अधिकार होंगे, उसके बारे में संविधान में पार्ट 9th भी ऐड हुआ है, कोऑपरेटिव्स 243Z-240ZG। आपको याद होगा आर्टिकल 19(1)(c) में जो फंडामेंटल राइट, बेसिक फंडामेंटल राइट है, उसमें भी जोड़ दिया गया था वर्ड कोऑपरेटिव्स। तो राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन इज अ फंडामेंटल राइट, उसी यूनियन वर्ड के बाद 19(1)(c) में एक कोऑपरेटिव वर्ड भी जोड़ दिया गया, मतलब फॉर्मिंग ए कोऑपरेटिव इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। ऐसे ही एक आर्टिकल 43(b) भी जोड़ दिया गया, जिसमें ये DPSP में भी मेंशन है, मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दिया गया है कोऑपरेटिव्स को। तो मतलब कोऑपरेटिव्स बनाना एक फंडामेंटल राइट भी है, DPSP में 43(b) भी है कोऑपरेटिव्स, और एक पूरा का पूरा पार्ट भी है कि डिटेल इनके ये हुआ करते हैं कोऑपरेटिव्स। ये 97th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था कोऑपरेटिव्स।
99th अमेंडमेंट एक्ट 2015 नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ऐड हुआ था सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो सिस्टम कोलिजियम का चलता है उसको रिप्लेस करने के लिए एक बॉडी बनाई जा रही थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इस पूरे अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था कि ये जो NJC आप बना रहे हैं कोलिजियम को रिप्लेस करने के लिए, इट इज़ अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसलिए 99th अमेंडमेंट जिससे एक NJAC जोड़ी जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में, उसे कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये ख़त्म हो गया था। हंड्रेड अमेंडमेंट एक्ट 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, कुछ एरियाज हमने बांग्लादेश से लिए हैं, कुछ उनको दिए हैं LBA, ये फाइनल हुआ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 100th अमेंडमेंट एक्ट हंड्रेड फर्स्ट से GST ये ऐड हो गया था, 101वें संशोधन से GST ऐड हो गया था, 103rd 2019 से आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 से EWS कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट है जिसमें 15 का 6/6 क्लॉज ऐड हुआ है जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन है, और आर्टिकल 16 आपको याद है पूरा का पूरा स्टेट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, तो यहाँ पर इन जनरल रिजर्वेशन हो सकता है किसी भी मुद्दे पर, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हुआ करेगा रिजर्वेशन। ये बेसिकली लेटेस्ट फंडामेंटल राइट्स हैं, 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6। और 104वां अमेंडमेंट एक्ट 2020 जिसमें एंग्लो इंडियन मेंबर्स का जो रिजर्वेशन था लोकसभा और विधानसभा में अब ख़त्म कर दिया गया है। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे, और विधानसभा में एक एक एंग्लो इंडियन मेंबर गवर्नर मनोनीत कर सकते हैं। अब ये सिस्टम एंड कर दिया गया बाई 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आज तक संविधान में हुए हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स सो फार इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लास्ट थिंग अबाउट इस शेड्यूल्स, संविधान में शेड्यूल्स हैं। अब किस शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 1 में इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, मतलब जितने स्टेट्स और यूटीज हैं इनके नाम दिए गए हैं शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में हुआ करती थी सैलरीज, अब तो सैलरीज के बिल पास हो गए हैं, जब तक बिल पास नहीं हुए थे तब तक सैलरीज यहाँ मेंशन हुआ करती थी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट जज हाई कोर्ट जज CAGI वगैरह, इनकी सैलरीज पहले यहाँ मेंशन थी, अब तो एक्ट पास हो गए हैं। शेड्यूल 3 में ओथ, वो जो ओथ पढ़नी होती है शपथ लेनी होती है, शपथ के फॉर्मेट शेड्यूल 3 में मेंशन है, जितने भी शपथ लेनी होती है उनके शेड्यूल जो है ओथ है फॉर्मेट्स हैं वो शेड्यूल 3 में मेंशन है। शेड्यूल 4 में किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में हैं वो मेंशनड है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में हैं ये शेड्यूल 4 में मेंशन है। याद रखना है ऐसा कोई शेड्यूल लोकसभा के लिए नहीं है,
लोकसभा की सीटें कहाँ मेंशन है वो उसका कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन राज्यसभा के लिए एक शेड्यूल हुआ करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, किस राज्य की कितनी सीटें हैं, ये शेड्यूल फोर में है। शेड्यूल फाइव स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम मेघालय मिजोरम एंड त्रिपुरा। मतलब आसाम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के अलावा जितने शेड्यूल ट्राइब जितने और राज्यों में हैं उनके लिए शेड्यूल पाँच में बन सकते हैं स्पेशल प्रोविजंस, और शेड्यूल सिक्स में स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट्स ऑफ आसाम मेघालय मिजोरम एंड त्रिपुरा। मतलब आपको इतना याद रखना है कि शेड्यूल फाइव और शेड्यूल सिक्स में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। शेड्यूल फाइव में उन राज्यों के शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं जो इनके अलावा हैं आसाम मेघालय मिजोरम एंड त्रिपुरा। आसाम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के शेड्यूल ट्राइब्स थोड़े से ज़्यादा प्रिमिटिव हैं तो उनके लिए अलग से शेड्यूल दिया गया है, वो है शेड्यूल सिक्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स आंध्र प्रदेश में है, मान लीजिए उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, इनके लिए बनाना है प्रोविजन तो शेड्यूल फाइव इस्तेमाल होगा, और अगर आसाम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो इनके लिए इस्तेमाल होगा शेड्यूल सिक्स। जैसे कि अभी नया नया बना है लद्दाख, लद्दाख अभी यूटी बनाया गया है, तो अब ये डिमांड उठ रही है कि लद्दाख को लिया जाए शेड्यूल सिक्स में। 95% पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख है शेड्यूल ट्राइब्स, तो अब इंक्लूजन होगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इंक्लूजन हो जाएगा। तो जैसे आगे चल के अगर ले लेंगे इसे पार्लियामेंट में बिल पास करके तो ये पांचवा राज्य हो जाएगा। इसकी डिमांड हो रही है कि लद्दाख शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल सिक्स, हो जाएगा तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना दिए जाएंगे। तो ये दो शेड्यूल्स हैं एसटीज के लिए हैं, याद रखना है, बस आपके एग्जाम में शायद ना भी आए। शेड्यूल सेवन में लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ये दे रखी है शेड्यूल सात में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स दे रखा है, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी, सेंसस, फॉरेन रिलेशंस, आर्मी डिफेंस एटॉमिक एनर्जी पैरामिलिट्री फोर्सेस, है ना, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, यूनियन लिस्ट में हैं। सेंसस, सेंसस की बात चल रही है, इट इज इन यूनियन लिस्ट। तो बहुत सारे अधिकार हैं जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ये आप किसी भी बुक में देख लेंगे, कुछ 10-15 एरिया हैं वो याद कर लेंगे मेन, तो वो यहाँ हो सकते हैं। स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, पुलिस इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, है ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पुलिस इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट बट रेलवे पुलिस, पुलिस इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, रेलवे क्या है, रेलवे सेंट्रल सब्जेक्ट है, रेलवे सेंट्रल सब्जेक्ट है, बट रेलवे पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, याद रखेंगे। रेलवेज इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट बट रेलवे पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ट्रेन में जो पुलिस चलती है दैट इज स्टेट सब्जेक्ट, रेलवे इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। ऐसी कॉन्करेंट लिस्ट हो जाती है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, बर्ड्स हैं, एजुकेशन याद रखेंगे, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी है, ये कहाँ है, कॉन्करेंट लिस्ट पे है, दोनों काम कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, ये शेड्यूल सात में दे रखी है। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट लिस्ट में है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड, वाटर, ट्रेड टैक्स वगैरह, ये सब किस में है, इसमें है। यूनियन लिस्ट में है, रेलवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज है, सेंसस है, फॉरेन रिलेशंस है, आर्मी है, एटॉमिक एनर्जी है, है ना, ये सब के सब। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में है, सिटीजनशिप आजकल चल रहा है,
एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत लंबी लंबी लिस्ट। शेड्यूल आठ में लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल आठ में लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं इसमें, 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल आठ में। इसमें इंग्लिश मेंशन नहीं है, पर्शियन मेंशन नहीं है, नेपाली मेंशन्ड है। ए फॉरेन लैंग्वेज विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन शेड्यूल आठ इज नेपाली। इंडिया यूज पर्शियन थ्रू आउट मेडिवल एज, बट पर्शियन इज नॉट मेंशन्ड इन शेड्यूल एट्थ। संविधान वॉज रिटन इन इंग्लिश, बट द इंग्लिश इज नॉट मेंशन्ड इन शेड्यूल एट्थ। शेड्यूल आठ में इंग्लिश मेंशन्ड नहीं है, इसमें 22 लैंग्वेजेस हुआ करती हैं। शेड्यूल आठ में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं होती हैं, इसमें इंग्लिश मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश, लिखा गया था ओरिजिनली इंग्लिश में। तो शेड्यूल आठ भाषाएं होती हैं। शेड्यूल नाइन पंचायत की लिस्ट है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। किससे जोड़ा गया था ये? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिससे जोड़ा गया था पार्ट 9th एस पंचायत। उससे ही पंचायतों की लिस्ट का एक शेड्यूल भी जोड़ दिया गया था। शेड्यूल आई एम सॉरी शेड्यूल 9 मार्कर यही है, काम नहीं कर रहा है, सारे मार्कर सब खराब हो गए हैं। शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स हैं, भूमि सुधार कानून है। जमींदारी अबॉलिशन के संबंधित सभी राज्यों के भूमि सुधार कानून बनाए गए थे, उनके लिए एक अलग से शेड्यूल डाल दिया गया, वो सब इसमें डाले गए हैं। शेड्यूल 9 में जोड़ा गया था बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड हुआ था ये। शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वेरियस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स। शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। शेड्यूल 10 बताया था आपको, एडिड बाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, वही बताया था पिछली क्लास में। शेड्यूल 11 पंचायत की लिस्ट है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं जिन पे पंचायत काम कर सकती हैं। ये ऐड हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, और 74 से ऐड हुआ था, जिससे म्यूनिसपैलिटी ऐड हुई थी। शेड्यूल 12 जो म्यूनिसपैलिटी की लिस्ट है, जिसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे राज्य सरकारें चाहे तो म्यूनिसपैलिटीज़ को पावर दे सकती हैं। तो संविधान में ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, 4 ये जुड़ गए। शेड्यूल 9 में है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स एडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जमींदारी अबॉलिशन किया गया था और भूमि सुधार कानून डाले गए थे। शेड्यूल 9 में डाल दिया गया सभी राज्यों के। शेड्यूल 10 से डाला गया दल बदल कानून, मैंने आपको बताया था कोई अपनी पार्टी मेंबर नहीं छोड़ सकता, 52nd अमेंडमेंट 1985। जिस अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत ऐड हुआ था, उससे उनकी लिस्ट भी ऐड हो गई। 29 मुद्दे इसमें लिस्ट में मेंशन्ड हैं जो शेड्यूल 11 में है, इस पे पंचायतें काम कर सकती हैं। और शेड्यूल 10 में 74th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, जिसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे पंचायतें काम कर सकती हैं। दीज आर द बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशियंट हैं, बेसिक चीज़ें हैं। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप मैगजीन करंट अफेयर वगैरह से देख लीजिएगा, बाकी मैंने काफ़ी कुछ आपको करा दिया है इंडियन पॉलिटी में, जो बेसिक पॉलिटी होती है, दैट आई हैव कवर्ड सो फार। ठीक है, अब लेक्चर्स हम लगातार करेंगे और जल्दी ही आपका बिफोर एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू कम्प्लीट इन विद इन अप्रैल ओनली, मैं आपका ये PCS का कोर्स ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा, करा ही दूँ। ठीक है, जो डिले हो गया तो वो हो गया, तो वी विल कम्प्लीट इट एनी हाउ। ठीक, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।